Redefining education, regaining struggle, renovating society. SIO, awakening the nation. सबसे पहले मैं यहाँ के स्टूडेंट्स और उनके समूह साथी जिन्होंने ये आपसी भाईचारे और एकता का एक महाअभियान शुरू किया है उसके संबंध में मैं उनका तहे दिल से कोटान को धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने ये एक महान अभियान शुरू किया है। तो मेरे प्यारे भाईजनों, हम सब उस अकाल पुरुष परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं और जितने भी धर्म है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, किसी भी ग्रंथ में आपस में वैर विरोधता का ज्ञान किसी में नहीं दिया गया। हर एक ग्रंथ में, चाहे वो वेद है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो गीता है, चाहे वो स्मृति है, कोई भी ग्रंथ है, हर एक ग्रंथ में आपसी भाईचारे का उपदेश दिया गया है। जैसे मैं हमारे गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी कहते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। कि सबसे पहले इस समुची कायनात में अगर कोई हस्ती, कोई शक्ति, कोई पावर, कोई ताकत है तो वो है एक अकाल पुरुष परमात्मा। अवल अल्लाह नूर उपाया, उस अकाल पुरुष परमात्मा का सबसे पहले नूर उत्पन्न हुआ, उसकी होंद बनी। कुदरत के सब बंदे उस अकाल पुरख परमात्मा की बनाए हुए सारे बंदे हैं। एक नूर ते सब जग उपजया, एक परमात्मा की ज्योति से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। कौन भले को मंदे, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसका फैसला हम नहीं, अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु करता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो अकाल पुरख परमात्मा के वाहिगुरु के परमेश्वर के नाम से जुड़े। अल्लाह है अगम खुदाई धंधे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे। ऐ मनुख, तो अकाल पुरख परमात्मा के नाम के साथ, परमेश्वर के नाम के साथ जुड़, क्योंकि जब मनुष्य अपने धार्मिक ग्रंथ से, अपने मुर्शिद से, वाहेगुरु गुरु से जुड़ता है तो गुरु उसको आत्मिक जीवन का उपदेश देता है, ज्ञान देता है। इसलिए जब तक हम अकाल पुरख वाहेगुरु के परमात्मा के नाम से, उसके सिमरन से, उसकी इबादत से दूर है, तब तक हमारे अंदर वैर विरोध भी है, ईर्ष्या भी है, बुराई भी है। पर जब हम उसके नाम से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर की अज्ञानता को खत्म कर देता है प्रभु परमात्मा का नाम। दीवा बलय अंधेरा जाए, जब दीपक जलता है ना तो अंधेरा दूर हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जो वेदों का पाठ है, जो धार्मिक ग्रंथों का पाठ है ना, वो हमारे मन के पापों को, बुराइयों को खत्म कर देता है। जैसे अकाल पुरख परमात्मा की कुदरत की, अल्लाह ताला की बनाई हुई एक हवा है, जब हवा चलती है ना तो हवा कभी भेद करती है कि मेरे सामने एक गरीब खड़ा है, एक अमीर खड़ा है, मैं अमीर को ठंडक देख के जाऊं, गरीब को नहीं। जब अकाल पुरख परमात्मा की ठंडी हवा चलती है, वो गरीब को, अमीर को एक समान हवा देती है। पानी है, जब पानी या पानी पीते हैं तो अमीर पानी पीता है, लेकिन पानी को भी भेद करता है कि मेरे को अमीर ने पिया, मैं उसकी प्यास बुझाऊंगा, गरीब की प्यास नहीं बुझाऊंगा। भोजन है, भोजन शक्ति है, भोजन कभी भेदभाव करता है। जब अकाल पुरख परमात्मा की, वाहेगुरु की बनाई हुई ये प्राकृति कोई भेदभाव नहीं करती तो फिर उस परमात्मा की बनाए हुए बंदे आपस में एक दूसरे से भेदभाव क्यों करते हैं कि वो सिख है जी, वो मुसलमान है जी, वो ईसाई है जी, वो है नहीं। हम सब उस अकाल पुरख परमात्मा के बंदे हैं, एक है, एक पिता, एक असकी हम बारे, हम सभी को पैदा करने वाला, इस दुनिया में पांच तत्व से हमारी शरीर की रचना रचने वाला वो परमात्मा वाहेगुरु एक है। जब उसके नाम के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारे जीवन के अंदर से वैर विरोधता खत्म हो जाता है। कोई भी ग्रंथ किसी भी मनुष्य को वैर विरोध का उपदेश नहीं देता, हमेशा भाईचारे का उपदेश देता है। तो इतना कुछ बोलता हुआ दास हिमा का जातक है, कोई भी अंत प्रकार की भूल चुकी हिमा।
वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की सत्य सत्य।